आपके व्यू पॉइंट से कौन सी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली फूड आइटम्स, जो कि हार्ट के लिए मैं कहूंगी खतरनाक है? किसी भी क्वांटिटी में उसको लेना ठीक नहीं है अगर हम हार्ट की बात करें। एनिमल फूड नंबर वन, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, कोई भी चीज़ जो जानवरों से निकल के आ रही है उसे आप अवॉइड कीजिए। वो दूध हो सकता है या दूध के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अंडे, फिश, मीट हो सकता है। देखिए, एक सिंपल बात समझिए, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। सिंपल बात यह है कि भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति सिर्फ एनिमल को दी है। हम भी एनिमल है तो हमारा बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। प्लांट्स को भगवान ने शक्ति दी नहीं है तो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। जिन भी एनिमल में एनिमल फूड जो लोग लेते हैं, वेजिटेरियन लोग तो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो भी एनिमल फूड ले रहे हैं एक तरह से। तो एनिमल फूड जब आप लेते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जब खाते हैं दैट मेक्स द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। आपका बॉडी कभी भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, लेकिन आपके बॉडी ने उतना ही बनाया जितने बॉडी को आवश्यक है। आफ्टर ऑल, बॉडी के हर सेल का जो आउटर लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल के बनता है। कोलेस्ट्रॉल तो एक अच्छा मॉलिक्यूल है, लेकिन जो आपने अलग से खा लिया दैट बिकम्स एन एक्सेस, और वो जो अधिक खा लिया वो फिर बॉडी ना तो इस्तेमाल कर पा रही, ना उसको उठा के बाहर फेंक पा रही है। तो बॉडी क्या करती है, उसको फिर कहीं कहीं छुपाने लगती है, एंड मोस्टली इन द ब्लड वेसल। और वो जो भी ब्लड वेसल में छुपाती है, इफ दैट ब्लड वेसल इज नियर टू द किडनी इट विल कॉज किडनी डिजीज, इफ इट इज नियर टू द हार्ट इट विल कॉज हार्ट डिजीज। सो इस तरह से कैटेगराइज होता है कि आप हार्ट पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक है एनिमल फूड, उसको छोड़ दीजिए, आपकी हार्ट डिजीज होगी नहीं, और अगर है तो आप देखेंगे आपका बीपी कम होता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा, और आपके एंजाइना कम होता जाएगा, आपके जो मोटापा है वो कम होता जाएगा, एक्सेस फैट है कम होता जाएगा, अपने आप ही आप में वो सारे बदलाव आएंगे।